मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। हिंदी लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस श्रृंखला में यह भाग 11 है। हमें यकीन है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए डिटेल में देखते हैं। प्रश्न एक, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? क सूरज, ख औरत, ग जगमग, घ हाथ। सही विकल्प है ख औरत। प्रश्न दो, संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण है क वह टहलने जा रहे हैं, ख यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होगे, ग शायद आज पिताजी आए, घ वह अब तक खा चुका होगा। सही विकल्प है यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। प्रश्न तीन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? क अकड़, ख अनबन, ग सदा, घ पास। सही विकल्प है ग सदा। प्रश्न चार, कौन सा शब्द तत्भव शब्द है? क बालक, ख पांव, ग निराधार, घ लकड़ी। सही विकल्प है ख पांव। प्रश्न पांच, ताप शब्द का विलोम रिक्त स्थान होता है? क तम, ख शीत, ग तामसिक, घ शरत। सही विकल्प है ख शीत। प्रश्न छः, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा नहीं है? क भवन महल भुवन संसार, ख प्रवाह पुरवाई प्रवाह तेज, ग बलि बलिदानी बलि ताकतवर, घ मणि रत्न मणि सांप। यहाँ पर सही विकल्प है ख प्रवाह या प्रवाह पुरवाई। प्रवाह तेज से होता है और पुरवाई एक हवा है, एक दिशा जो पूरब से बहने वाली हवा है उसको पुरवाई कहते हैं, इसलिए ये ख सही विकल्प है। प्रश्न सात, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? क बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ख श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ग वहाँ बहुत भीड़ है, घ हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। सही विकल्प है ख श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। प्रश्न आठ, गुड़ के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होगा? क अंधा क्या चाहे दो आँखें, ख अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ग अंधों में काना राजा, घ आँख का अंधा नाम नैन सुख। सही विकल्प है घ आँख का अंधा नाम नैन सुख। प्रश्न नौ, कौन से शब्द में रूढ़ी का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? क क्रिया, ख मातृ, ग श्रेया, घ चर्या। सही विकल्प है ख मातृ। प्रश्न दस, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क वह अच्छा लिखता है, ख मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ, ग वह महाशय अभी अभी आए हैं, घ मोहिका बहुत खाती है। सही विकल्प है ग वह महाशय अभी अभी आए हैं। प्रश्न 11, निम्न अक्षर ख व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? क दंत्य, ख तालु, ग कंठ, घ ओष्ठ। सही विकल्प है ग कंठ। प्रश्न 12, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? क साधुनी, ख साध्वी, ग साध्वी, घ इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ख साध्वी। प्रश्न 13, त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? क कर्मधारय समास, ख द्विग समास, ग बहुव्रीहि समास, घ तत्पुरुष समास। सही विकल्प है ग बहुव्रीहि समास। प्रश्न 14, व्यष्टि
का विलोम है, क समष्टि, ख व्यक्ति, ग भीड़, घ समाज। सही विकल्प है क समष्टि। प्रश्न 15, बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है क न, ख वे ई, ग बे, घ मान। सही विकल्प है ग बे। प्रश्न 16, बच्चा की भाववाचक संज्ञा होगी क बालकपन, ख बचपन, ग बचपना, घ बालपन। सही विकल्प है ख बचपन। प्रश्न 17, रमणीय में प्रत्यय है क रम, ख अनीय, ग ईय, घ ऋय। सही विकल्प है ख अनीय। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क जलद, ख वारिस, ग वारिद, घ जीमूत। सही विकल्प है ख वारिस। प्रश्न 19, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है क कृतघ्न, ख कृतज्ञ, ग कर्मठ, घ कृत्य। सही विकल्प है ख कृतज्ञ। प्रश्न 20, कवयित्री का संशोधित रूप है क कवयित्री, ख कवियित्री, ग कवयित्री, घ कवित्री। सही विकल्प है कवित्री। क कवियत्री, ख क सही विकल्प है, घ यहाँ पर विकल्प सही नहीं है। प्रश्न 21, निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए क आशीर्वाद, ख आशीर्वाद, ग आशीर्वाद, घ आशीर्वाद। सही विकल्प है ग आशीर्वाद। प्रश्न 22, निम्न परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है क परा, ख प्र, ग प्रति, घ परि। सही विकल्प है घ परि। प्रश्न 23, डाढ़ शब्द है क पुल्लिंग, ख नपुंसक लिंग, ख स्त्रीलिंग, घ इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ग स्त्रीलिंग। प्रश्न 24, अभिजात का विलोम शब्द होगा क कुलीन, ख अकुलीन, ग सामान्य, घ वंचित। सही विकल्प है ख अकुलीन। प्रश्न 25, बहुत ध्यान देने वाले को क्या कहा जाता है क दानी, ख दीन दयाल, ग औढ़दानी, घ दानवीर। सही विकल्प है ग औढ़दानी। प्रश्न 26, ऐसा कवि जो विषयानुसार तत्काल रचना कर दे, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा क महाकवि, ख कवीश, ग आशु कवि, घ कविराज। सही विकल्प है ग आशु कवि। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मानक है क यह गाय असली दूध है, का असली दूध है, ख यही दूध गाय का असली है, ग यह असली गाय का दूध है, ख दूध असली गाय का यही है। सही विकल्प है ग। प्रश्न 28, निम्न में कौन सा हिंदी का अपना उपसर्ग है क अति, ख हेड, ग उन, घ गैर। सही विकल्प है ग उन। प्रश्न 29, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या क्या है क 20, ख 33, ग 30, घ 25। सही विकल्प है ख 33। प्रश्न 30, तद्भव शब्द का चयन कीजिए क हास, ख हस्ती, ग लोक, घ सूर्य। सही विकल्प है ग लोक। इस प्रकार से यह वीडियो ट्यूटोरियल हमें लगता है कि आपको जरूर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ये महत्वपूर्ण भी है। अगर आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुख